कितनी बार होता है क्वेश्चन होने के बाद में बड़बड़ करने की क्या जरूरत है, दिमाग लगा खुद से सॉल्व भी कर लिया करो कभी। जब तक तुम खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल कैसे आएंगे? और फिर बोलते हो सर हम लोग को समझ में नहीं आते न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स दिमाग लगाने से सॉल्व करने पड़ते हैं, दिमाग लगा के, रटने से नहीं होता। करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड into L divided by 2πD. This is the equation for the force of attraction between the two parallel conductors. Clear? और यहाँ पे direction अगर same हो जाएगी और direction अगर opposite हो जाएगी, direction अगर दो ही दोनों current की अगर same है between the two parallel conductors, तो ये जो force generate होता है, so that magnetic force is a attractive magnetic force. और अगर दोनों का direction अगर opposite है, and then when there is a two parallel conductors, ठीक है? दो पैरेलल कंडक्टर्स है और करंट की डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो कौन सा फोर्स जनरेट होगा? रिपल्सिव फोर्स, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, द करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फ्लो थ्रू द टू लॉन्ग पैरेलल वायर हैविंग द सेपरेशन ऑफ 1.35 सेंटीमीटर, द मीनिंग ऑफ 1.35 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ डी। सो यहाँ आ गया आपका डी 1.35 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर लो, सो दिस इज 1.35 इंटू 10 टू द पावर दिस इज -2 मीटर। If the force per unit length of on each of the wire in 4.76 into 10 to the power minus 2 newton, this is the value of force per unit length. दिया क्या है? Force per unit length है ये. मतलब value किसका हुआ? F upon L. Value किसका हुआ ये? F upon L. So we have the value for F upon L. So that is F upon L is equal to कितना है? So this is 4.76 into 10 to the power minus 2 newton, पर actually यहाँ per meter चाहिए था, ठीक है? तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो आप ये force per unit length है, so divided by meter कर दो इसको, so force per unit length है, so this is force per unit length है, इसलिए force divided by newton divided by meter, ठीक? हाँ, हो सकता है typing mistake में आया होगा, so what should be I? तो I मेरे को calculate करना है, so we have to calculate the value of I. अब यहां देखिए, दो इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है, करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फ्लो थ्रू द टू लॉन्ग वायर। एक करंट हम लोग पहले वायर से अगर लेंगे तो उसको I1 कहेंगे, दूसरा करंट दूसरा कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो होगा उसको I2 कहेंगे। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सो वी कैन राइट हियर I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I। एंड व्हाट इज आवर जनरल इक्वेशन फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू पैरेलल कंडक्टर्स? F is equal to mu naught I1 I2 into L divided by 2 pi. Clear है? अब देख, F upon L का value दिया, मतलब L इधर आ जाएगा, ठीक है? So this is F divided by L is equal to, this is mu naught, और I1 और I2, I1 is equal to I2, by the I1 is equal to I2, because current of equal magnitude है, same magnitude, इसलिए I1 is equal to I2 हो जाएगा, और I1 into I1 हो जाएगा, sorry, I into I हो जाएगा, तो I into I square. ठीक है, सो दिस इज I स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2πD, ठीक है? अगेन 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो, तो ताकि तेरा 4π कैंसिल हो जाए। कैलकुलेशन थोड़ा सा और इजी कराने के लिए, हां, सो अगेन F upon L का वैल्यू दिया तेरे पास, सो दिस इज 4.76 into 10 टू द पावर दिस इज -2 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया? दिस इज 4π into 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय I स्क्वायर, बिकॉज़ I स्क्वायर, I का वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करना है, तो I स्क्वायर एज इट इज, एंड दिस इज 2πD, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से अगर डिवाइड कर दूं, तो पहले तो लिख लेता हूं 2πD ही, into D कितना है मेरे पास में, 1.35 into 10 टू द पावर दिस इज -2। अब इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर कर दिए जा रहे हैं हम लोग, सो दिस इज 4.76 into 10 to the power minus 2 is equals to, यहाँ पे 4π into 10 to the power minus 7 multiplied by twice I square divided by, this is 4π into, again this is 1.35 into 10 to the power minus 2, ठीक है? Now again the 4π get cancelled, so what comes remain? 4.76 into 10 to the power minus 2 is equals to twice I square into 10 to the power minus 7 divided by 1.35 into 10 to the power minus 2. The equation, अब यहाँ से I का equation बनाना पड़ेगा,
सबसे पहले आई स्क्वायर का इक्वेशन बनाएंगे आप लोग. सो दिस इज 4.76 इनटू 10 टू पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.35 इनटू 10 टू पावर माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय दिस इज 2 इनटू 10 टू पावर माइनस 7 ऊपर माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा. नीचे से माइनस 7 ऊपर तो प्लस 7 तो माइनस 4 प्लस 7 प्लस 3 ठीक. और नीचे आ गए यहां से 2. सो I is equals to under root of square इधर चले जाएगा under root again यहाँ बच गया तेरा 4.76 multiplied by 1.35 into 10 to the power minus 4 minus 7 plus 7 तो minus 4 plus 7 plus 3 divided by 2. so I is equals to under root वाली टर्म कैसे निकालते हो मैंने पहले समझा दिया था. पावर में इवन नंबर होना चाहिए और उसके बाद में चलो मैग्नीट्यूड सॉल्व करो उसका फट से. और मैग्नीट्यूड सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू हो उसकी उसका अंडर रूट आप लेंगे. कितना 56.68 एम्पियर. दिस इज योर आंसर 56.